हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम काली ने T21.1 में अपना विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली टेक रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना वेब ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, आपके जो काली लिस्ट में वेब ब्राउजर इंस्टॉल है उसी को हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारे में मोज़िला फायरफॉक्स रहता है तो उसको हमने ओपन कर लिया। यहाँ से हम न्यू टैब पर क्लिक करेंगे, क्रॉस करेंगे। यहाँ पे हमें टाइप करना है विजुअल स्टूडियो कोड। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक आ रही है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इसको ओपन करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे जो विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट है वो खुल चुकी है। तो यहाँ पर दिखा रहा है लेटेस्ट वर्जन 1.55। तो हमें क्या करना है, अपना लिनक्स के डाउनलोड करना है। तो लिनक्स में ये दो आते हैं, डॉट डी वी डॉट आर पी एम। तो हमें डी वी वाला वर्जन डाउनलोड करना है, तो उस पर मैं ऐसे क्लिक करेंगे क्योंकि काली लिनक्स में हमारा डॉट डी वी एक्सटेंशन यूज़ होता है। फिर ऐसे हम करेंगे सेव फाइल, ओके। तो जैसे तो हमारा डाउनलोड वो शुरू हो गया। ऐसे हम करेंगे शो ऑल, वेब ब्राउजर को हम क्लोज कर देते हैं। इसको हम डेस्कटॉप पे ले आएंगे, राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल हेयर करेंगे। तो हमें टाइप करना है एलएस। ये देख सकते हैं हमारा जो डी बी फाइल है, जो भी जो कि हमारी विजुअल स्टूडियो कोड की है, इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है, नेम को कॉपी सिलेक्शन। यहाँ पे हम टाइप करना है डी पी के जी डैश आई, फिर वो कोड पेस्ट कर देंगे पेस्ट क्लिप बोर्ड। पेज क्लिप बोर्ड देन यहाँ से एंटर कर देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा जो डी पी के जी है सुपर यूजर चाहिए, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करना होगा, हमें रूट एक्सेस देना पड़ेगा क्योंकि हम सुडो की मदद से दे सकते हैं। तो हम ये कमांड लेंगे और सुडो इसके आगे लगा देंगे, सिंपली एंटर करेंगे। तो हमें पासवर्ड मांग रहे हैं तो हम पासवर्ड डाल देंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक कि हमारा डाउनलोड होता है। तो देख सकते हैं हमारा जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर देंगे। सिंपली हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो देख सकते हैं हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो ओपन हो चुका है। तो इसका कुछ ऐसा इंटरफेस है, अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं फाइल पे, न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो चुका है। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी HTML का वेब पेज मतलब इसको हमें सेव करना है कोई भी HTML फॉर्मेट में, तो इसको मैं ऐसे सेव करेंगे, फाइल पर जाएंगे, सेव एस डेस्कटॉप पे, इसका नाम होगा इंडेक्स डॉट HTML HTML, एंटर करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा इंडेक्स डॉट HTML के फॉर्मेट में सेव हो चुका है। अगर आपको HTML का कोडिंग वगैरह करनी है तो इसके लिए हमारे एक्सटेंशन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें हैं, आप देख पा रहे होंगे सोर्स कंट्रोल वगैरह, रन एंड डीबग और ये एक्सटेंशन मैनेजर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक HTML फॉर्मेट के लिए और इनको कोडिंग को ईजी करने के लिए हम सिंपली एक एमेट नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे एमेट टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिथ्रिल एमेट नाम का एक एक्सटेंशन आ रहा है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे हम वापस इंडेक्स के फाइल में जाएंगे, हम एक्स लिमिट साइन करेंगे फिर टैप कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा पूरा जो है उसका फॉर्मेट आ चुका है HTML5 का। तो देख सकते हैं डॉट टाइप HTML, लैंग्वेज हेड है हमारा, बॉडी है, बॉडी में कुछ भी टाइप करेंगे, हेलो वर्ल्ड सेव करेंगे। जैसे हम अपना इंडेक्स डॉट HTML का पेज खोलेंगे हमारा वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा और हमें हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप HTML की कोडिंग को ईजी बना सकते हैं एमेट इंस्टॉल करने से। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको HTML लैंग्वेज सीखनी है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।